हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आओ खाओ। आज मैं एक ऐसा सिगार बनाने जा रही हूँ जो बच्चों को बहुत पसंद है। ये एक पार्टी स्नैक्स है, चीज सिगार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सिगार बनाने के लिए हमें चाहिए 4 पीस ब्रेड, 2 बड़े आलू, इसको मैंने बॉइल कर लिया है, 1 कटोरी स्वीट कॉर्न, जिसको मैंने बॉइल कर लिया है, 1 क्यूब चीज का, 1 कटोरी पनीर, 1 बड़ा प्याज, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा बटर, 1 चम्मच सॉस, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा, स्वाद के अनुसार नमक। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम एक बाउल में अपने उबले हुए आलू लेंगे और इसको स्मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। को गैस पे रखते हैं और गैस ऑन करते हैं। अब कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि बटर जले ना। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और उसको पिघलने देंगे। उसमें जीरा डालेंगे, हरा मिर्च डालेंगे, और इसको भूनेंगे। अब हम इसमें फिर प्याज डालेंगे और इसको गुलाबी होने तक भूनेंगे। प्याज गुलाबी हो गई है, अब हम इसमें अपने आलू डालेंगे। थोड़ा सा आलू के साथ इसको भूनेंगे। हम इसमें अपना नमक डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे और गैस को मीडियम कर देंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। चिली फ्लेक्स डालेंगे, पनीर डालेंगे, कॉर्न डालेंगे और 1 चम्मच टमाटो सॉस डालेंगे। इन सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। आपकी फिलिंग तैयार है। मैदे की सेलरी बनाने के लिए हमने मैदा लिया है थोड़ा सा, उसमें थोड़ा नमक और थोड़ी काली मिर्च ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी सेलरी बनाएंगे। सेलरी तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ना गाढ़ी होनी चाहिए ना पतली होनी चाहिए। हम ब्रेड के साइड्स को काट लेंगे कुछ इस तरह से। ब्रेड को बेल लेंगे बेलन की सहायता से कुछ इस तरह से। अब हम कढ़ाई को गैस पे रखेंगे और गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। ब्रेड को अपनी फिलिंग से फिल करेंगे कुछ इस तरह से। अब इसमें हम चीज डालेंगे चीज अपने अनुसार कम ज्यादा आप कर सकते हो। अब हम इसको रोल करेंगे। और किनारों पे आप अपनी सेलरी लगा देंगे कुछ इस तरह से और तीनों तरफ से इसकी बैंडिंग कर दें। देखिए आपके सिगार तैयार है। आप कुछ इस तरह से इसकी बॉन्डिंग कर दें, तीनों तरह से इसे मैदे की सेलरी से चिपका दें। अब चलिए इसको आपको 2 तरीके से मैं बना के दिखाती हूँ, एक सेलो फ्राई करके और एक अवन में बेक करके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1,
आप जो भी ब्रेड लोगे वो बिल्कुल ताजी होनी चाहिए, वरना जब आप उसको फोल्ड करोगे ना तो वो टूट जाएगी और आपका सिगार नहीं बनेगा। टिप्स नंबर टू, आप जब भी ब्रेड को सेकोगे सेलो फ्राई करने के लिए तो उसको बिल्कुल धीमी आंच पे सेकना, जिससे वो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी। फ्राइंग में थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है और इसे ब्रश की सहायता से चारों तरफ इस तरह से फैला लिया है। चलिए अब अपने सिगार हम इसके अंदर रखते हैं। अब इसको हम सिकने देते हैं। चलिए बेक होने के लिए हम अब सिगार देखिए, पहले मैंने ओवन के बर्तन में थोड़ा सा बटर लगा दिए हैं और अपने सिगार रख दिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएंगे। चलिए हम इसे पलटते हैं, आज अपनी धीमी कर देंगे हम कुछ इस तरह से। देखिए एक साइड ये हो गया है, अब दूसरे साइड पे देखिए आपके सिगार तैयार है। ये सेलो फ्राई वाले हैं और ये बेक्ड वाले हैं।